मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट खाली होने जा रही है। अभी देखा जाए तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के 2 सीटों के उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस में यह सीट को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी अपनी हाजिरी दिल्ली दरबार में लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा की 1 अकेली सीट के कारण एमपी में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। वहीं बीजेपी के 2 सीटों के लिए स्थिति साफ है। आपको बता दें कि बीजेपी से एमजे अकबर और संपतिया और कांग्रेस से विवेक तन्खा का कार्यकाल 3 महीने में समाप्त हो जाएगा। बीजेपी की तरफ दावेदारों में कई बड़े नामों की चर्चा है। वहीं कांग्रेस में राज्य के 2 वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने एमपी में पार्टी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। बीजेपी से राज्यसभा सीटों के लिए जिन बड़े नामों की चर्चा हो रही है उनमें पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं। दोनों हाल के दिनों में प्रदेश की सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं। गौरतलब है कि एमपी में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, 8 पर अभी बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। जून में एमपी में खाली हो रहे सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है।